नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीला सिंह और मैं आपके लिए गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्हील बैलेंसिंग के बारे में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्हील बैलेंसिंग क्या है? व्हील यानी रिम और उस पर फिट किया गया टायर, दोनों को मिलाकर व्हील बोला जाता है। अब किसी व्हील के सेंटर पॉइंट से चारों तरफ व्हील का वेट बराबर करना ही व्हील बैलेंसिंग कहलाता है। अब व्हील का वेट बराबर करना क्यों जरूरी होता है? जब व्हील को रिम के ऊपर टायर को फिट किया जाता है या पहले से ही टायर फिट है तो उसका वेट अनइवन यानी कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, जिससे गाड़ी में लगने के बाद घूमता है व्हील। तो जहाँ वेट व्हील में ज़्यादा होता है वो वेट ऊपर की तरफ फोर्स डालता है, दबाव डालता है, जिससे हमारा व्हील वाइब्रेट करने लगता है हाई स्पीड में। और जब व्हील वाइब्रेट करता है तो हमारी गाड़ी का सस्पेंशन वाइब्रेट करता है, स्टीयरिंग व्हील भी वाइब्रेट करने लगता है और गाड़ी में बबलिंग आ जाती है। इसीलिए व्हील को बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। तो व्हील बैलेंसिंग करते कैसे हैं, आइए देखते हैं। तो इसके लिए एक मशीन का उपयोग किया जाता है, उस मशीन का नाम है व्हील बैलेंसर। व्हील को मशीन में फिट किया जाता है और फिर उस मशीन के मोटर के द्वारा व्हील को रोटेट यानी घुमाया जाता है। घुमाने के बाद मशीन में लगी जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर आता रहता है कि जहाँ व्हील में कहाँ वेट कम है और कहाँ ज़्यादा है। व्हील के दोनों तरफ अंदर और बाहर जहाँ वेट कम होता है उतना ही वेट उसमें और ऐड किया जाता है और वो वेट आपका 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम ऐसे उसमें बना हुआ होता है, जिसमें व्हील में एक क्लिप लगी रहती है। उस क्लिप के द्वारा व्हील में उसे फिट किया जाता है। और अगर एलॉय व्हील है तो एलॉय व्हील में आपके वेट उस तरह के आते हैं जो उसमें चिपक जाते हैं, चिपकाने वाले। तो इस तरह हमारा व्हील बैलेंस हो जाता है, जिससे गाड़ी में हाई स्पीड में बबलिंग नहीं होती है। अब गाड़ी में बबलिंग ना हो इसके लिए हमें टाइम टू टाइम सर्विस के साथ उसकी व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट गाड़ी की करवानी चाहिए या हर 5,000 बाद ये सर्विस करानी पड़ती है, जिससे हमारी गाड़ी का सस्पेंशन और टायर लॉन्ग टाइम और कंफर्टेबल चलता है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी व्हील बैलेंसिंग के बारे में। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन होता रहे। तो अब दीजिए इजाज़त, चलते हैं। जय हिंद।